चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। ऐसी एक प्रॉब्लम हमने पहले की हुई है। ये प्रॉब्लम आरटीपी में भी आई हुई है और तीन चार बार एग्जाम में भी आई हुई है। देखें, डिवीजन जेड इज अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस फोर प्रोडक्ट ए बी सी डी। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो। डाटा फ्रॉम द पीरियड फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बाई, ओके, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड इज 2,500 यूनिट ऑफ बाई। मैक्सिमम सेल इन द एक्सटर्नल मार्केट आर एज अंडर, ओके। डिवीजन बाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट अ स्लाइटली चीपर प्राइस ऑफ रुपीज 125 पर यूनिट फ्रॉम द मार्केट, ओके, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन डी फ्रॉम डिवीजन जेड। What should be the transfer price for each unit for 2,500 unit of D if total labor hours available are 20,000 unit and 30,000 unit? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, पहले हम देख लें हमें हमारे को आवर रिक्वायर्ड कितने चाहिए। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल आवर है उनमें हम कैसे बेस्ट प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस प्रॉब्लम को, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। ये हमारे प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी और ये हमारा टोटल लेबर आवर्स पर यूनिट जो हमें चाहिए है वो कितने हैं? 3, 4, 2 एंड 3। एक्सटर्नल जो मार्केट है उसकी डिमांड कितनी है? एक्सटर्नल मार्केट की डिमांड है 2,800, 2,500, 2,300 एंड 1,600। तो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 8,400, 10,000, 4,600, 4,800। ठीक है, टोटल लेबर आवर्स चाहिए हमको 27,800। ओके, जो ट्रांसफर टू डिवीजन बाई है उसकी कितनी है? इसकी 2,500 यूनिट्स है। तो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए इसके लिए? इसको 7,500 आवर्स चाहिए। तो जो टोटल आवर्स की जरूरत है मुझे वो कितनी है? जो टोटल आवर्स की मुझे जरूरत है, इनको ऐड कर ले तो ये हो जाएंगे आपके 34,35,300 आर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या, इफ डिवीजन जेड हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंटायर क्वांटिटी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू क्या होगी आपकी? वेरिएबल कॉस्ट। बट इफ डिवीजन जेड डज नॉट हैव सफिशियंट कैपेसिटी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो होगी वो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो भी हम कंट्रीब्यूशन लॉस कर रहे हैं। किसके लिए? इसको डिवीजन वाई को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, सो अब हम देखेंगे
कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए और किस प्रोडक्ट को बंद करके या कम करके हमें डी बनाना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे रैंकिंग, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है 150, 146, 140, 130। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 130, 100, 90, 85। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 20, 46, 50, 45। लेबर आवर दे रखे हैं 3, 4, 2, 3। कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा 6.67, 11.5, 25 एंड 15। रैंकिंग करेंगे तो पहली रैंकिंग इसकी, दूसरी रैंकिंग इसकी, तीसरी रैंकिंग इसकी, चौथी रैंकिंग इसकी, ठीक है। दैट इज इफ वी हैव टू प्रोड्यूस डी फॉर डिवीजन वाई, वी वुड मैनेज बाय रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ ए फर्स्ट देन बी, ठीक है। क्योंकि देखिए ए और बी ही ऐसे हैं जो डी से आपके हल्के हैं। डी से हल्के का मतलब क्या हुआ कि डी के कंट्रीब्यूशन से कम है, डी के कंट्रीब्यूशन से कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डी को हम बनाना है तो कम से कम डी से जो जिनसे कम हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा उनका हम बंद करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। हम ये देखेंगे कि अगर मैं बाहर के लिए नहीं डी बना रहा तो क्या करता, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आएंगे रैंक के हिसाब से, पहले आएगा सी फिर डी फिर बी और फिर ए। हम यहां पर लिखेंगे इनकी एक्सटर्नल डिमांड क्या है, बाहर वालों को कितना देना है हमें। तो सी को देना है हमें 2300, डी का 1600, बी का 2500 और ए का है 2800, ठीक है। आर्स पर यूनिट कितने चाहिए मुझे, इसके लिए है 2, 3, 4, 3। आर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ लेबर आवर में निकाला था, तो ये 4600, ये 4800, ये 10,000 और ये 8400। आर्स अवेलेबल कितने हैं मेरे पास, मेरे पास है 20,000 आर्स। आर मैं यूज कितने कर रहा हूँ करूँगा, यह 4600। बैलेंस आर्स कितने हैं, 15,400, 15,400, 4,800, 10,600, 10,600, 10,600, 600, 600, nil, ठीक है ना। सो इफ वी हैव टू प्रोड्यूस 2,500 यूनिट ऑफ डी फॉर
डिवीजन बी नहीं, डिवीजन वाई, देन वी वुड रिक्वायर 2500 इंटू 3, 7500 आवर्स, हमें 7500 घंटे चाहिए, विच वी वुड मैनेज बाय टेकिंग 600 आवर्स फ्रॉम प्रोडक्ट ए एंड बैलेंस 6900 आवर्स फ्रॉम प्रोडक्ट बी। ऐसे ही होगा कि नहीं? हमको 7500 आवर्स चाहिए, तो 7500 में सबसे पहले तो जो 600 है इनको लेंगे, ठीक है ना, इसमें से हम ले लेंगे फॉर, और इसमें से कितने लेंगे फिर हम बाकी के जो बचे हैं उससे पहले वाले में से लेंगे। क्लियर है? चलिए, सो कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा? कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 600 यूनिट ए वाले जो प्रोडक्ट के हैं उसके, ए का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 6.67 और जो बी का कंट्रीब्यूशन है वह 11.5। समझ रहे हो? 11.5 और 6.67, तो ये आएगा 4000 और ये आएगा मेरा 7935 0, 83350 टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस। सो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टीपी, 300 नहीं, कितनी यूनिट थी, 2500 यूनिट ऑफ डी फॉर डिवीजन वाई अवेलेबल, लेबर आवर इज 20,000, जब 20,000 घंटे अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारी कितनी, 85 रुपीज, तो 2500 इंटू 85 तो ये आएगी 212,500 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस जो था 83350, तो जो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट हुई मेरी वो कितनी हुई, 295850। और ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकालेंगे 295850 अपॉन 2500, तो 118 रुपये 34 पैसे। क्लियर? जब 20,000 घंटे थे तो मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है इतने का। अब मैं कहता हूं कि मेरे अवेलेबल आवर्स, मेरे पास 20,000 घंटे की जगह 30,000 घंटे है। बी टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 30,000 घंटे, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल क्वांटिटी एंड डिवीजन वाई 35,300 आवर्स। आवर्स शॉर्ट कितने होंगे, 5,300 आवर्स। अब आप बताइए 5,300 घंटे हम किससे लेंगे, प्रोडक्ट ए से लेंगे या प्रोडक्ट बी से लेंगे? बिल्कुल सही, आप कहेंगे सर हम प्रोडक्ट ए से लेंगे। क्यों लेंगे?
क्योंकि प्रोडक्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन बराबर है वो है 6.67। सो दिस 5,300 आवर्स वुड बी मैनेज्ड बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। सो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा, 5,300 इंटू 6.67, 5,300 इंटू 6.67 आएगा 35,333। स्टेटमेंट ऑफ टीपी बनाएंगे जब हमारी अवेलेबल आवर्स हैं 30,000 घंटे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कोई चेंज होगी नहीं, 2,500 इंटू 85 करोगे 212,500 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है 35,333, तो 247,833 टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ये आएगी आपकी 99 रुपीज 13 पैसा। तो आप कहेंगे सर ये पहले कराया था, तो आपने देखा पहले हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर उस कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कराया है। क्यों, इसमें हमें दो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को हमें रोकना पड़ रहा था, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो गया होगा। थैंक यू, चलिए गुड डे।